इस दुनिया में जीवित प्राणी और हर इंसान को प्यार की जरूरत है। मानव जीवन प्यार को अलग तरीके से महसूस करता है और सच्चा प्यार जीवन में कुछ भी संभव बना सकता है। यहाँ एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है और इस दुनिया से जाने के बाद उसने अपने ड्रीम हाउस में पत्नी की प्रतिमा स्थापित की है। कोप्पल जिले के एक व्यवसायी ने अपने नवनिर्मित घर में अपनी दिवंगत पत्नी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की है, जो उनकी पत्नी के सपनों का घर है। कोप्पल के व्यवसायी श्रीनिवास गुप्ता अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें अपनी रानी मानते हैं, लेकिन 2017 में उनकी पत्नी माधवी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद पत्नी की उपस्थिति महसूस करने के लिए उन्होंने घर में एक प्रतिमा स्थापित की है। इस मूर्ति को देखकर लगता है कि माधवी ड्राइंग रूम में बैठी है। श्रीनिवास गुप्ता की पत्नी माधवी की मृत्यु 5 जुलाई 2017 को एक कार दुर्घटना में उस वक्त हो गई थी जब उनका परिवार तिरुपति जा रहा था। माधवी को कोप्पल शहर में एक घर खरीदने की इच्छा थी, इसीलिए माधवी की मृत्यु के बाद उनके पति गुप्ता ने कोप्पल में माधवी के सपनों के घर का निर्माण कराया और उनकी याद में प्रतिमा भी स्थापित की। जब हम तिरुपति जा रहे थे तो एक सड़क हादसे में मेरी पत्नी माधवी की मृत्यु हो गई। यह घर उनकी इच्छा और उनकी योजना के अनुसार बनाया गया है। हमने उनकी याद में यह प्रतिमा बनवाई है। एक जीवित इंसान की तरह दिखने वाली इस मूर्ति की झलक लोगों को अवाक कर देती है। बेंगलुरु के प्रसिद्ध गोम्बे माने शिल्प के कारीगरों ने यह अद्भुत प्रतिमा तैयार की है। गोम्बे माने शिल्प प्रसिद्ध मूर्तिकार एम श्रीधर मूर्ति द्वारा संचालित किया जाता है। गोम्बे माने की शुरुआत भी 2017 में ही हुई है। श्रीधर, जो कि मूर्तिकारों के वंश से आते हैं, ने अपने पूर्वजों के बारे में भी कई अप्रत्याशित बातें बताई। उनका दावा है कि उनमें से कई मैसूर राजाओं के दरबार में कारीगर थे। श्रीधर ने ही मूल रूप से माधवी की प्रतिमा बनाई है। प्रतिमा को अधिकतम सटीकता के साथ इंसानों की तरह दिखाने के लिए इसमें सिलिकॉन सामग्री का उपयोग किया गया है। इसी कारण से इसकी उंगलियां आम इंसानों की तरह लचीली हैं। साथ ही असली इंसानी बालों का उपयोग करके विग बनाया गया है। इसका वजन 15 से 20 किलोग्राम है। माधवी की प्रतिमा को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे माँ हमारे सामने उपस्थित हैं। हम मूर्ति के अंतिम रूप, रंग और फिनिशिंग से बहुत खुश हैं। हम प्रतिमा के सामने खड़े होकर अपने जीवन के समस्याओं को साझा करने के साथ ही उसे हल भी कर सकते हैं। माधवी और श्रीनिवास गुप्ता की दो बेटियां हैं जो अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन माधवी की मौत के बाद दोनों बेटियां निराश हो गई थी, लेकिन अब मूर्ति को देखने से उन्हें लगता है कि उनकी माँ उनके साथ है। मेरी माँ की प्रतिमा सिलिकॉन से बनाई गई है। हम यह देखकर खुश हैं और हमें लगता है कि हमारी माँ हमारे साथ है। यह प्रतिमा नवीनतम तकनीकी से बनाई गई है। हर इंसान के लिए प्यार और यादें सुंदर जीवन जीने के लिए बेहद कीमती होती हैं। श्रीनिवास गुप्ता ने घर में अपनी पत्नी की यादों को फिर से जिंदा करने के लिए ये प्रतिमा तैयार कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।